वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला छोले की रेसिपी, जो शायद आपने इस तरह से आज से पहले कभी नहीं ट्राई की होगी। इसके लिए हम सबसे पहले इसकी प्यूरी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने दो टमाटर, दो ग्रीन चिली और अदरक को पीस लिया है, 4 से 5 प्याज और 8 से 10 लहसुन की कलियों को भी पीस लिया है। इस तरह से हम उन दोनों की प्यूरी तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई लेते हैं और इसमें 2 बड़े चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल यूज किया है, जीरा, तेजपात के पत्ते, दालचीनी, 4 से 5 हमने लौंग और 2 लाल मिर्च ऐड की हैं। साबुत मसालों को हम भून लेंगे और हमने जो प्याज की प्यूरी तैयार की थी इसे भी हम भून लेंगे। तब तक हम इसमें जो सूखे मसाले हैं उन्हें तैयार कर लेते हैं। अब हम इसके लिए 1 टेबल धनिया पाउडर और 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर को पहले से ही हम भिंगा देंगे। इस ट्रिक्स के द्वारा ही हमारे जो छोले हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारी प्याज और लहसुन की जो प्यूरी थी भून चुकी है। इसमें हमने अब टोमेटो की प्यूरी भी ऐड कर दी है, इसे भी हम भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें जो हमने मसाले भिंगाए थे वो ऐड कर देंगे। 1 स्पून हमने इसमें चना मसाला ऐड किया है, वो इसी समय ऐड करना है। इससे इन छोलों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ग्रेवी को ढक कर 2 से 3 मिनट पकाएंगे, जब तक कि ये ऑयल ऊपर ना आ जाए। इस तरह से आप एक बार छोले को बनाकर देखिए, आपको रियल में बहुत ही पसंद आएंगे। एकदम यूनिक रेसिपी है फ्रेंड्स। करीब 250 ग्राम छोले हैं और इसमें हमने इसके इन छोलों को 2.5 गुना पानी डालकर 4 से 5 ब्रिसल आने तक बॉईल कर लिया है। उसी समय 1/4 टीस्पून सोडा ऐड कर दिया था, जिससे कि ये छोले हैं अंदर तक सॉफ्ट हो जाएं। हमें इसी तरह के छोले चाहिए। अभी ग्रेवी बनकर तैयार है, अब हम छोले थे वो ऐड कर देंगे और इसे 4 से 5 मिनट हमें इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाना है। फ्रेंड्स, ग्रेवी का जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा आएगा। इसके बाद हमने 1/4 टीस्पून इसमें सिट्रिक एसिड, मीन्स इसे हम नींबू के फूल भी बोलते हैं, वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। कितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में उतने ही डिलीशियस है। फ्रेंड्स, एक बार इस तरह से आप छोले को जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। आपको ये वीडियो रियल में पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।